चैप्टर का अभी रिवीजन वर्क हमने सेंड किया था, पूरे चैप्टर का कंटेंट सेंड किया था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और कंप्लीट किया इसका भी बचा तो उसने कंप्लीट कर लिया होगा, जिसका नहीं बचा तो उसका फुल्ली कंप्लीट था, उसने भी रिवाइज तो जरूर कर दिया होगा। तो चैप्टर की स्टोरी आपकी माइंड में रिवाइज हो चुकी है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे रिवीजन असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। आपके चैप्टर से ही बेस्ड होगा ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। क्या करना है, सेंटेंसेस को रीड करना है और उस सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है ये चीज आपको मेंशन करनी है। हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का ए नंबर, फर्स्ट हमारा बेस्ड है ट्रू और फॉल्स पर। ए नंबर है चिकी वांटेड टू लर्न हाउ टू फ्लाई। चिकी सीखना चाहती थी कि कैसे उड़ना है, फॉल्स। चिकी नहीं सीखना चाहती थी, है ना। बी नंबर पे आते हैं, चिकी पुट द बॉम्ब बैक ऑन द ग्राउंड। करेक्ट, सही है, इसने रख दिया था बॉम्ब को फिर दोबारा से ग्राउंड पर। सी नंबर पर आते हैं, चिकी वॉज एबल टू फाइंड सम फूड। करेक्ट, उसे एंड जो है फूड मिल गया था, फाइंड कर लिया था उसने फूड। चिकी ने दी क्या है, चिकी कुड नॉट लर्न टू फ्लाई, चिकी उड़ना नहीं सीख पाई, फॉल्स। सीख लिया था इनमें उसने, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पर आते हैं, सेकेंड का ए नंबर। आप लोग को कंटेंट में मैं पेज भेजूंगी ना, तो कंटेंट से वर्क देख करके तब ये वीडियो देखिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड सर्किल द लेटर्स दैट मेक द बिगनिंग वर्ड। ये पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देखना है और इस पिक्चर का फर्स्ट लेटर बिगनिंग लेटर आपको लिखना है। कैसे, दो ऑप्शन आपको दिए हैं, एस पी और एस एफ। करेक्ट क्या है, एस पी। तो बिगनिंग लेटर क्या है इसका, एस पी, स्पून है ना। बी नंबर पर क्या है, देखिए स्टार, तो स्टार के लिए क्या हो गया, एस टी। सी नंबर पर आपका है स्माइली, इसमें क्या करेक्ट है, एस एम। एंड डी नंबर पर है आपका स्नेक, तो इसका फर्स्ट बिगनिंग लेटर क्या है, एस एम। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है और उसमें ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए कुछ ब्रैकेट में कुछ लेटर्स दिए हैं जो कि जंबल्ड है, उनको अनजंबल्ड करना है, अनस्क्रैम्बल करना है, और फिर आपको उसका मीनिंग आएगा, फिर आपको फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, रीड करती हूँ मैं, चिकी वॉज लर्निंग टू ब्लैंक। चिकी क्या सीख रही थी, आपका लेटर एफ वाई एल, तो क्या बन गया आपका, एफ एल वाई। चिकी सीख रही थी उड़ना, ब्लैंक, है ना। सेकेंड है, शी सॉ ब्लैंक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। क्या देखा था उसने, बॉल। सी लेटर, सी नंबर के सेंटेंस को रीड करते हैं, शी सॉ मेनी स्मॉल ब्लैंक इन द पॉन्ड। बहुत सारी छोटी छोटी क्या देखा था उसने पॉन्ड में, फिश। डी नंबर को देखते हैं, शी एट सम मैसेज ब्लैंक। मैसेज की क्या उसने देख मिले उसको, सीड्स, और ग्राउंड में फील्ड में भी ना उसने खाया। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, राइट एन आर यू और आई टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्या लिखना है आपको ब्लैंक स्पेसेस में, क्या लगेगा, आएगा आर आएगा। सी नंबर पर आते हैं,
हैज कहाँ फिल होता है, सिंगुलर नाम जो सिंगुलर होता है तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज फिल होता है, और अगर हमारा सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव फिल होता है, ठीक है। एंड आई के साथ ऑलवेज हैव होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम लोग अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। द बस ब्लैंक फोर व्हील्स, तो द बस अकेली है तो क्या हो जाएगा, हैज। द बस हैज फोर व्हील्स। बी नंबर है हमारा दे ब्लैंक अ बिग गार्डन, तो दे के साथ दे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, है, दे हैव अ बिग गार्डन। सी नंबर है आई ब्लैंक मेनी स्टोरी बुक, तो आई के साथ हमने क्या बताया था कि है होता है, ठीक है। देन अब चांस है डी की और ये हमारा लास्ट है, ही ब्लैंक अ ब्लू बाइसिकल, ही ब्लैंक अ ब्लू बाइसिकल, तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको रिवीजन असाइनमेंट आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चैप्टर की आपने अपने चैप्टर 8 की सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से कंप्लीट कर रखी है, हमें पता है। सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आपको ग्रामर पार्ट, स्टोरी से जो रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड हम आपको फिर रिमाइंड करवाएंगे कि हम केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हमारा नॉलेज बूस्ट करने के लिए। तो एग्जाम आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है आपका नॉलेज पॉइंट बूस्ट करना, आपको आपका आईक्यू बूस्ट करना है। तो सारी एक्सरसाइजेस को ध्यान से समझ करके आप लोगों को समझनी है, कंप्लीट करनी है, लर्न करनी है, और एग्जाम के बाद भी लर्न रखनी है।